नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स में बात कर रहे थे। लेक्चर 4 तक आपने देखा था लास्ट टाइम कि केस 11 में हम लोग बात कर रहे थे कि जो थिक मिरर का केस होगा, जिसमें कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस या मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसमें हम लोग आपको एक एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे कि जो थिक मिरर होता है तो इसके इधर वाले सरफेस से 100% ना तो रिफ्लेक्शन होता है और ना ही ट्रांसमिशन होता है। तो क्या होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो एक एग्जांपल लिया था इन जनरल कि मान लीजिए कि ये वाला जो सरफेस है वो ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम मानेंगे लेस रिफ्लेक्टिंग एंड मोर ट्रांसमिटिंग। तो मान लीजिए 20% रिफ्लेक्टिंग और 80% ट्रांसमिशन के आधार पर आपको समझाया था कि 100 यूनिट की एनर्जी अगर उधर से आ रही है तो फिर ये 20% रिफ्लेक्टिंग हुआ तो यहाँ पे आया तो 20 रिफ्लेक्ट हो गया, बाकी बचा हुआ 80 अंदर चला गया। फिर यहाँ पर ये जो है, जो पॉलिश किया हुआ सरफेस है वो 100% रिफ्लेक्टिंग होगा, तो वहाँ पे जितनी भी 80 आ रही है तो 80 का 80 रिटर्न हो जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है फिर से रिफ्लेक्शन वाला होगा तो 20% रिफ्लेक्ट होना है तो वापस जाएगा 20% और 80% बाहर निकल आएगा, तो 80 का 80% बाहर आ गया 64 और बाकी बचा हुआ 16, मतलब 80 का 20% अंदर चला गया। फिर ये पूरा का पूरा रिटर्न आ गया 16, 16, फिर 16 का 80% बाहर आ जाएगा, 20% अंदर रह जाएगा 3.2, फिर 3.2 का 80% बाहर आ जाएगा, 20% अंदर रह जाएगा। तो 3.2 का 80% जो होगा वो यहाँ पर 20% होगा 0.64, तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना है, 0.64 अंदर जाएगा और बाहर आएगा 2.56, है ना। हाँ, ये हो गया। फिर उसी तरह से ये 0.64 100% रिटर्न ले लेगा और फिर यहाँ से उसका 80% बाहर और 20% अंदर, एंड सो ऑन, इस तरह से होता रहेगा। तो मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेशंस होते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज होगी वो आपका फर्स्ट वाले का 20 यूनिट के हिसाब से, सेकंड वाले का 64 के हिसाब से, थर्ड वाले का 12.8 के हिसाब से, फोर्थ वाले का 2.56 के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं जो सेकंड होगा वो मोस्ट ब्राइट इमेज बनेगा 64 के हिसाब से। फिर उसके बाद कौन होगा, ये फर्स्ट वाला I1, तो वही हमने ऑर्डर लिखा हुआ था I2 ग्रेटर देन I1, उसके बाद आपका ये I3 और उसके बाद I4, है ना। तो ये चीज थी। तो चलिए नेक्स्ट केस पर अब हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस उठाते हैं यहाँ पर, केस ऑफ लेटरल इन्वर्सन का। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है दोस्तों, कि जैसे मिरर के सामने अगर आप जाके खड़े हो जाए, है ना, और अपना आप राइट हैंड अगर आप उठाइएगा तो मिरर में ऐसा आपको लगेगा कि लेफ्ट हैंड राइज किया है ना, मतलब बायां का दायां, दायां का बायां, इस तरह का दिखाई देगा आपको। तो अगर आप इस तरह से इसी फेनोमेनन को आप बोलेंगे लेटरल इन्वर्सन, मतलब मिरर सामने रखा हुआ, आप जाकर के अपना राइट हैंड उठाओ तो आपको मिरर में ऐसा लगेगा कि मिरर ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक है। तो आप अपना राइट आई बंद करो, मिरर में लगेगा कि वो उसने अपना लेफ्ट आई बंद किया है, तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो काफी सारे लेटर्स हैं ABCD इंग्लिश अल्फाबेट्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे कि देखिए ए, आप किसी पेपर पर ए लिख दो या अपनी हथेली पर भी आप ए मार्क कर दो, इस तरह से ए लिख दो, इससे करके ए लिख दो और मिरर में इसको जाकर के देखो तो मिरर में भी आपको ए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप हथेली पे रखते हो बी, अगर आप बी लिखोगे और फिर मिरर में जाके देखो तो आप मिरर में जो दिखेगा ना वो बी नहीं दिखेगा, वो क्या दिखेगा, उल्टा फॉर्म दिखेगा कुछ ऐसा, है ना। उसी तरह सी लिख करके जाओ मिरर के सामने देखो उसको, तो वो भी उलट के दिखेगा, डी लिख के जाओ वो भी उलट के दिखेगा, तो और लेकिन ए लिखोगे तो ए दिखेगा। मतलब क्या हुआ कि ए लेटर जो है दैट इज फ्री फ्रॉम लेटरल इन्वर्जन, लेकिन आपको जो ये सब दिख रहे बी सी डी ये सब जो है ये सब लेटरली इन्वर्टेड हो गया। तो आपसे पूछता है कि जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में उनमें से कौन कौन लेटर जो है वो फ्री फ्रॉम लेटरल इन्वर्जन है। तो ऐसे 11 लेटर्स हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको लिख करके आप मिरर के सामने लेके जाओ तो आपको ये सारी एज इट इज वहां पे आप पढ़ सकते हो, दे आर फ्री फ्रॉम लेटरल इन्वर्जन। तो उसमें कौन कौन आ गया, AHIMOTUVWXY, ठीक है। तो अगर आप उनको इस तरह से लेकर के जाते हो तो फिर वो लेटरली इन्वर्जन से फ्री हो जाता है। और इनसे बना हुआ अगर कोई वर्ड है तो फिर वो भी क्या होगा, पूरा अच्छे से पढ़ा जाएगा। जैसे आप किसी पेपर पर टोमेटो लिख लो इस तरह से और उसको मिरर में ले जा करके पढ़ो प्लेन मिरर में, तो आपको टोमेटो का टोमेटो ही लिखा हुआ मिलेगा, है ना। उसी तरह हॉट हो गया, मैंने इन वाले से किसी से भी हॉट टॉम हैट, तो इनका भी जो इमेज बनेगा वो सब उसी तरह से हॉट का हॉट, टॉम का टॉम, हैट का हैट, इस तरह से आपको बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ओके। तो इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है हम लोग का,
कि जो एनालॉग वॉच है उसमें अगर एक्चुअल टाइमिंग कुछ दिख रहा है तो उसके इमेज की टाइमिंग क्या होगी। तो इसी का एक एप्लीकेशन है इन केस ऑफ एनालॉग वॉच, जिसमें हैंड्स लगे होते हैं, तो वहां पर आइए उसको समझते हैं। वही पूछा जाता है, तो जैसे कि ये घड़ी हो गई, ये हमने मिरर में इसको देखना चाहा, तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। तो घड़ी में मान के चलिए अगर 3 बजा है, तो ऐसे ये मान के चलिए 3 o'clock दिखा रहा है, ठीक है। तो एनालॉग क्लॉक में बाकी हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो है ये कोई नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं, ये या तो ऐसे ही मार्किंग किया हुआ है या फिर डॉट डॉट ऐसा कुछ बना हुआ है। तो जैसे ये 3 बज रहा है, यहाँ 3 दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे इसके इमेज में क्या होगा, ये वाले का इधर आ जाएगा और ये वाले का इधर रहेगा। तो ये क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है ना। तो ये अगर रियल है तो ये इसका इमेज है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे अंतर आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कोई दूसरा टाइमिंग ले सकते हैं, जैसे मान के चले आप तो इधर हो गया 6 7 8 6 7 8, यहाँ पे 9 10 11, फिर यहाँ 1 2, यहाँ 3, फिर 4 5, ऐसा कुछ हो गया। तो चलो मान के चलो मैं इसको बजा रहा हूँ ये ऐसे, ठीक है। तो ये कितना बजा दिया मैंने, 6 यहाँ पर था तो यहाँ पर 7 बज रहा है, तो फिर 7 o'clock हो रहा है, तो इसका इमेज कितना बजाएगा। तो ये ऊपर वाले का तो ऊपर ही बनेगा यहाँ पे, लेकिन ये जो इधर को बना वो उधर बना देगा, है ना। मतलब क्या, ये वाला कांटा इधर भाग जाएगा, मतलब 5 o'clock, समझ रहे हैं। तो ये अगर इधर रियल हो गया, इधर इमेज बन रहा है, तो ये इस तरह से आपको चेंजिंग आ जाएगा। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई हमारा जो रियल में घड़ी है वो 7 बजा रहा है, तो बताइए इसका जब हम प्लेन मिरर में इमेज देखेंगे तो उसमें कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट कैसे पहचानिएगा, तो इसका एक तरीका बताते हैं आपको। देखिए, जो रियल वाला टाइमिंग होगा और जो इमेज में टाइमिंग होगा, इन दोनों को अगर आप सम अप करोगे तो आप देखो आप 9 3 12 पे पहुंच रहे हो, तो ये ना 12 बजा देगा। जैसे यहाँ 7 5 क्या बज जाएगा, 12 ऑलवेज होगा ये। अगर मान के चलिए इधर 4 बजाओगे तो उधर अपने आप 8 बज जाएगा, है ना। इधर 8 बजाओगे तो उधर 4 बज जाएगा। तो दोनों की जो टाइमिंग होती है ना, वो सम अप होकर के ऐसे केसेस में 12 के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका जवाब दे सकते हैं। अब आप सोच लो, अगर मान के चलिए कि 10:30 बजा के देखिए, अगर 10:30 हो रहा है इधर, तो अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको देखना है। तो अगर 10:30 हो रहा है तो इधर कितना बजना चाहिए, तो इधर इतना कुछ बजाओ जिसको ऐड करने से ना 12 हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 1 30 30 30 मिल करके वहां हो गया 11, और फिर ये वन, देखो ना, ऐड करो आप, हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान के चलिए इधर 7 20, और चलिए इधर भी कुछ कर लिया जैसे कि 15, 7:20:15 सेकेंड वाली सुई भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से इतना ऐड करना है जिससे टोटल मिलके हो जाए क्या, 12 बन जाए। तो 12 में से इसको माइनस करना होगा, कैसे करोगे, देखो अगर आपने ऐसे कुछ लिखा, इसको माइनस करना है 7 20 15, ऐसा ही ना। तो देखिए तो क्या आता है, तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि इसको ना ये 100 वाले टाइप से नहीं करना होगा, तो यहाँ पर माइनस करने में आपको दिक्कत। अगर आप डायरेक्ट ऐसा करोगे 10 में से 5 जाए 5, फिर 9 में से 8 जाए 8, तो देखो 85 सेकंड जैसा तो कुछ होता नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। इसीलिए करना क्या है कि 12 को ऐसे ना लिख के, आपको लिखना कैसे है तो ध्यान दीजिएगा, तो इस तरह से नहीं लिखना है, तो लिखना है आपको 59 60 मिनट 59 60 सेकंड। देखिए 11:59 हो चुके और 60 सेकंड भी हो गया, 60 सेकंड हो गया, मतलब क्या हुआ, 12 बज गया। तो इसको ना 12 को ऐसे लिखना है तब करेक्ट होगा। अब घटा के देखो,
अब देखो तो अब आराम से माइनस कर सकते हो, कितना आ जाएगा 45 इधर आ गया, फिर इधर क्या आ गया 9, 39 और इधर क्या आ गया 4। तो आपका ना ये वाली टाइमिंग आ जाएगी आंसर, तो यहाँ पर बच जाएगा 4:39:45। ठीक है, तो इनको इनमें जोड़ेंगे हम लोग तो वो अपने आप आपको 12 बजा देगा। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं कोई भी टाइमिंग हो। तो 9:15:30 क्या आंसर होगा, तो फिर उसी तरह से करना है 11:59:60 ले लीजिए और 9:15:30 को माइनस कर दीजिए। इधर 30, ये 44 और ये, तो इधर आ जाएगा 2:44:30 एंड सो। क्लियर है क्या? तो ये ऐसे हो जाता है। तो लैटरल इन्वर्जन में आपका रियल टाइम और उसका जो इमेज बनता है उसमें जो टाइम होगा आपका, वो दोनों इस तरह से रिलेशन दिखाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 12 केसेस के डिस्कशन के बाद अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप अलग से देख लो प्लेन मिरर के केस में जो पूछता रहता है। तो हम लोग लिखते हैं सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसमें क्या एक जैसा हो गया कि जैसे आपने पढ़ा था कि दो मिरर हो हमारे पास और उनको हमने कुछ एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइन कर रखा हुआ है, मान के चलो हमने ये 90 डिग्री ऐसा कुछ बना रखा। तो आप जानते हैं कि इस केस में कितने इमेजेस बनेंगे। 90 के लिए बताया था आपको कि 360 है डिवाइडेड बाय 90 करिए आपको आ जाएगा 4। 4 का मतलब हो गया इवन। इवन में बताया था कि एक कम कर देना, मतलब 3 इमेज बनेंगे। तो वो 3 कैसे बन रहे हैं, 1, 2, 3 देखिए। तो ये वाले का डायरेक्ट ये एक बनेगा यहाँ पे, फिर इसी ऑब्जेक्ट का इस वाले में डायरेक्ट एक बनेगा, फिर मैंने क्या बताया था कि इमेज का भी इमेज बनता है। तो जैसे ये जो I1 यहाँ पे बना वो वाला फिर इस वाले मिरर के वजह से एक और बनाएगा। तो क्या होगा कि ये मिरर तो यहाँ तक था, इसको वर्चुअली आप ऐसे करके आगे बढ़ाइए और जितना आगे ये था उतना ही पीछे बन जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से क्या होगा कि अब इस वाले ये जो इमेज बनाना वो इस वाले मिरर में आपको इमेज बना देगा, तो इसको वर्चुअली इधर बढ़ाइए और जितना ये ऊपर था उतना ही नीचे। तो आप देखोगे क्या कि इनका और इनका जो इमेज बन रहा है ना वो एक ही जगह पे बन जाएगा। इसीलिए इवन वाले केस में यही हो जाता है कि जब इवन नंबर आ जाते हैं तो जो फाइनल इमेज जो बनता है ना, आप मान सकते हो इधर से तीसरा और चौथा, वो एक ही प्लेस पे जाके बन जाता है। इसीलिए आपको ओवरऑल नंबर एक कम हो जाता है, इसलिए आपने किया था n-1। तो यही हो गया ये 3। अभी क्या होता है कि अगर हम लोग इनको अगर मिलाना चाहें इस तरह से करें तो एकदम ये एक सर्कल से होकर के पास कर जाएगा। ठीक है, जो भी एक सर्कल आएगा, सर्कल का जो रेडियस होगा वो यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की दूरी लेंगे और यहाँ से एक सर्कल घुमाओगे तो ये सारे इमेजेस जो है उसी पर लाई करेंगे। तो आपसे कभी कभी पूछता है लोकस ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड विद ईच अदर विल बी ए सर्कल। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए जैसे कि प्लेन मिरर के बारे में आप जनरल ज्यादातर यही जानते हैं, समझते हैं कि भैया प्लेन मिरर से कभी कोई रियल इमेज नहीं बन सकता, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी मिरर से रियल इमेज बन सकता है, प्लेन मिरर से भी बन सकता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया इस तरह का डायग्राम कि जब कन्वर्जिंग रेज आएंगी इधर से जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का निर्माण करेगी तो उस केस में क्या होगा रियल इमेज, देखिए रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ जो बनेगा वो एक्चुअल रे आकर के मीट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये रियल इमेज बनेगा, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये प्लेन मिरर रियल इमेज को भी फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन इस केस में क्या होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जरूर बनेगा। और सभी प्रकार के मिरर जो है ये काम करने में सक्षम है। ठीक है, इसीलिए रियल इमेज जो है ये सभी बना सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये इसका केस हो गया। इन्वर्टेड इमेज प्लेन मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है क्या, तो नॉर्मल देखिएगा तो आपको जो प्लेन मिरर है उससे जो इमेज आप प्राप्त करते हैं वो सीधा होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इन्वर्टेड भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। कैसे, तो ये देखिए इसका एग्जांपल है। अगर कोई प्लेन मिरर बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो यही बोर्ड जो होता ये एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मिरर होता है, और हम इसको उठा करके जो है और नीचे रख देते हैं और उस पर खड़े हो जाए, आराम से आप खड़े हो जाइए, तो आपका इमेज क्या होगा, ठीक उल्टा है ना, इस तरह से ऐसे करके रहेंगे तो वो भी इमेज ऐसे करके बन जाएगा नीचे। तो मिरर अगर आपका ये नीचे में रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर का ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से है तो इसका इमेज क्या होगा, इस तरह का बन जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन तो हो ही सकता है। तो अगर इन जनरल आपसे पूछे कि क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, तो जी हाँ बना सकता है। क्या प्लेन
मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज बना सकता है? तो जी हाँ बिल्कुल बना सकता है, तो उसके ये एग्जांपल हो गए। ठीक है आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल केस है, इसको मैं केस 13 नाम दे रहा हूँ, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स का केस है। तो आप जानते थे कि जब पैरेलल दो मिरर इस तरह से रखे जाएंगे तो बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो कहीं भी जो एक से एक्स पर एक्स डिस्टेंस पर है, दूसरे से वाई डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर क्या होता है मल्टीपल इमेजेस के फॉर्मेशन होते जाते हैं ना। जैसे कि अगर पहले इमेज इसमें बनाया जाए तो यहाँ पे बन गया आई वन, फिर इसी का डायरेक्ट इमेज इस एम टू में बनाया जाए तो इधर भी बन गया, इसको भी मैं आई वन ही कह रहा हूँ। ठीक है क्योंकि फर्स्ट इमेज है, ये डायरेक्ट बना यहाँ डायरेक्ट बना। अब क्या होगा कि ये जो इमेज यहाँ बना वो फिर इस मिरर में फिर अपना बनाएगा। एक्चुअली होता क्या है लाइट यहाँ आएगी रिटर्न हो जाएगी इमेज बनेगा, फिर ये इधर आएगी तो वो भी फिर रिटर्न होगी उधर इमेज बनेगा, फिर आएगी फिर रिटर्न होगी फिर इमेज बनेगा। तो इस तरह से वो आते जाते रहता है और इमेज बनते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टाइम जब रिफ्लेक्शन हुआ इसमें तो यहाँ पे बना, फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे तो यहाँ पे बना। ठीक है अब क्या होगा इसका बनेगा फिर से इस वाले मिरर में। तो जितनी दूरी यहाँ पे लेना है जो प्लेन मिरर का जो रूल है कि जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना इमेज डिस्टेंस वो लगाओगे आप, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देखिए गौर से वाई प्लस टू एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी वही हो जाएगी वाई प्लस टू एक्स। ठीक है बन गया यहाँ पे आई टू। अब उसी तरह से इस I1 का हमको बनाना है इस वाले मिरर में तब इधर बनेगा I2। तो ये दूरी देखा जाए ये कितना हो गया x प्लस वाई वाई, मतलब x प्लस टू वाई, x प्लस टू वाई आप इधर भी आ जाइए तो x प्लस टू वाई आ गया। और अब आपको देखना है कि जो I1 I1 बना था उनके बीच की दूरी जरा नापी जाए। तो देखिए x x y y मतलब टू टाइम्स x टू टाइम्स y, तो वही हमने क्या लिखा टू टाइम्स x प्लस y। और इसी तरह I2 और I2 के बीच की दूरी देखिए आप x प्लस टू वाई यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर एक x हुआ फिर y हुआ फिर y प्लस टू एक्स हुआ। तो गौर से देखिए एक x हो गया दो x हो गया और यहाँ दो x, तो चार x आ गया। और इसी तरह से एक y दो y और यहाँ पर टू y मतलब फोर y। तो आप आराम से देखो आपको आएगा फोर टाइम्स x प्लस y। तो जब आप फर्स्ट वाले ऑर्डर, इसको आप फर्स्ट ऑर्डर इमेज बोल सकते हो, तो फर्स्ट वाले ऑर्डर के बीच का जब आपको डिस्टेंस निकालना था तो टू टाइम्स एक्स प्लस वाई आया, सेकंड ऑर्डर वाले का निकालना है तो फोर टाइम्स आया, थर्ड निकालेंगे तो फिर टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिक्स टाइम आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। तो अगर हमें nth ऑर्डर वाले इमेजेस जो हैं तो हम लोग nth इमेज फॉर्म जो होगा उसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना चाहें तो डिस्टेंस बिटवीन nth इमेजेस फॉर्म्ड इन बोथ द मिरर्स क्या होगा, बस टू से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि पहला वाला था तो दो से मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस वाई, दूसरा वाला था दो से मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस वाई, तीसरा आएगा फिर दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिक्स इंटू एक्स प्लस वाई। तो वैसे ही अगर n आ गया तो टू एन इंटू एक्स प्लस वाई, उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा टू एन इंटू एक्स प्लस वाई से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है तो इस पर भी कुछ कुछ सवाल कभी कभी आपको दिख जाया करता है जो डायरेक्ट आपको इसको अप्लाई करना है सॉल्व हो जाता है ना। आइए एक आध बात और देखें इसमें। तो यहाँ पर एक बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है दोस्तों जो आपको अक्सर पूछा जाता रहता है, हालांकि ये कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में भी हम लोग पीछे डिस्कशन कर चुके हैं कुछ केस में। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं नोट करके एक बार फिर से आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है कि जैसे कि एक सामने मिरर कहीं पर दिया हुआ है, एक दीवार है कहीं पर एक मिरर है, ठीक है, और आपका एक इधर कहीं से रास्ता जा रहा है, ठीक है, मिरर से कुछ दूरी पर रास्ता, जैसे कि दो दीवार हो गई, एक दीवार पर इधर ये जैसे ये बोर्ड हो गया ये मिरर हो गया है ना, और इस तरफ इधर इधर कहीं पर यहाँ से जो है मेरा रास्ता जा रहा है, इधर से उधर रास्ता जा रहा है, और बीच में क्या हुआ बीच में एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा उससे लाइट निकल रही है, बीच में एक बल्ब, तो उधर हो गया मिरर और इधर हो गया रास्ता जो इधर से उधर हम यहाँ से वहां तक जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका रास्ता और यहाँ पर आपने लगा दिया बल्ब। तो अब आपको देखना क्या है कि भाई बताइए आपको बल्ब की जो इमेज है ना वो इस मिरर में देखनी है, बल्ब की इमेज इस मिरर में देखनी है, तो आप कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा। मान के चलिए कि आप कहते हैं कि कोई इधर से इधर जा रहा है पास कर रहा है तो उसको ए से दिखना शुरू हो जाता है, ए के नीचे जब तक था तो नहीं दिखता था, और ये जो है यही सिलसिला उसको बी तक जो है बल्ब जो है इस मिरर में नजर आता है, तो ये ए भी बताना है हमको और ये मिरर का लेंथ दिया हुआ है एक्स। तो आपने इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, और एक्चुअली मैं आपने सॉल्व किया हुआ भी है, एक बार फिर से याद दिलाता हूं मैं, होगा क्या कैसे दिखेगा ए पर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि जो लाइट रे आएगी वो मिरर के इस लास्ट पार्ट से टकरा करके इस ए तक पहुंच रही होगी, तभी कोई भी आंखें अगर यहां से गुजर रही है तो वो उसको देख सकता है। इसके नीचे इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये लास्ट पार्ट से टकरा चुका है और तो मैक्सिमम यहीं तक आ सकता है, अब इसके नीचे रे आएगा नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है ना, तो जितना से आएगा उतना से ही जाएगा, तो इसके अपना एक लिमिट है, ये यहीं तक आ सकता है, यहाँ से दिखेगा आंखें यहाँ पर है तो दिख जाएगी इसको। उसी प्रकार से ऊपर भी होगा,
यहाँ से भी ये जाएगा अपर पार्ट से टकरा करके, और अगर ये बी पॉइंट तक आ रहा है तो उसको दिखेगा यहाँ पर, है ना। अब आप थोड़ा सा याद करो, गौर करो, दिमाग पे जोर डालो, आपने किसी केस में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? तो बिल्कुल आपने पढ़ा था, ये अगर बीच में एकदम रखा हुआ हो और यहाँ पर कोई पर्सन हो, ठीक ना, तो उसको अगर अपने पीछे किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो कम से कम कितनी हाइट की मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, इस तरह का हमने केस डील किया था। तो अगर ये मिडिल में होता था तो आपको पता था कि h by 3, आपको याद करा दूं एक बार मैं, जैसे कि कोई पर्सन था अपने पीछे के h ऑब्जेक्ट को देखना चाहता था, तो सामने जो मिरर की हाइट रिक्वायर्ड होती थी वो याद कीजिए आप, स्मॉल h बराबर कैपिटल h by 3 होती थी, अगर ये बिल्कुल मिड में लाई करता था तो। अगर ये मिड में नहीं भी लाई करेगा तो अगर कहीं अलग डिस्टेंस हुआ तो उसका भी मैंने फार्मूला दिया हुआ है आपको, बट जनरली क्वेश्चन आपको मिड में डाल के ही पूछता है, तो मिड वाले केस में ऐसा कुछ होता है। तो क्या इसी सिचुएशन को नहीं थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई करके पूछ दिया गया, है ना, ऑब्जेक्ट आंखों की जगह ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, है ना, इस तरह से। तो वहां भी यही डायग्राम बन रहा था, आप याद कीजिए कि यहां से रे जाएगी ऐसे ऊपर पार्ट से टकरा के आंखों में, यहां से रे जाएगी लोअर पार्ट से टकरा के आंखों में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि बस रेज इधर से ऐसे जाके आंखों में आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है उल्टा ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है, तो डायग्राम तो सेम ही है ना, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशन होल्ड करता था वही रिलेशन यहाँ होल्ड कर जाएगा, तो ये अगर एक्स हुआ तो ये क्या होगा, थ्री टाइम्स आ जाएगा, तो थ्री टाइम्स एक्स, इस बार ये कैपिटल एच का काम करेगा और ये स्मॉल एच का काम करेगा, तो जो होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, फील्ड व्यू भी आप बोल सकते हो, फील्ड व्यू ऑफ मिरर, मतलब मिरर जो है ना वो कहाँ तक आपको चीजें दिखा सकता है, है ना, ये फील्ड व्यू ऑफ मिरर के नाम से भी जाना जाता है। तो ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस कवर होगी वो क्या होगा, 3x, इस वाले मिरर का 3 गुना, ठीक है, कब, जब ये एकदम बीच में हो, मिडिल पॉइंट पर हो, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो आपको ये बता देना है, क्लियर है, सिंपल है। तो दोस्तों प्लेन मिरर के जो भी 13 केसेस आपने देखे, तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इतना से आपका काम बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस की ओर। तो जैसे प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही कर्व सरफेस से भी हो सकता है। आगे जाके हम लोग देखेंगे दो तरह के कर्व सरफेस जो कर्व मिरर आपको पढ़ने हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और उसके बारे में डिटेल देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एक इस तरह के सवाल पर भी चर्चा करते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो ये सरफेस है ना, ये सरफेस, ये ना तो सर्कल है, ये क्या है, ये साइन एक्स वाला, ये कोई सरफेस, साइन का ग्राफ आप जानते हैं इस तरह से उठता है साइन थीटा, तो ये क्या है कि साइन एक्स, एल इंटू साइन एक्स, इस तरह का कोई एक सरफेस है आपका, ओके। अब इस सरफेस पर ऐसा कुछ हो रहा है कि इधर से हॉरिजॉन्टल रे आ रही है, किसी पी पॉइंट पे टकराई और टकराने के बाद वो वर्टिकल हो जा रही है, हॉरिजॉन्टल आई और टकराने के बाद वर्टिकल हो जा रही है, y बराबर एल साइन एक्स इस सरफेस का इक्वेशन हो गया, मतलब l जहां पर एक से बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज पता लगाना है कि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, तो ये तो बात जाहिर है यहाँ पे जीरो होगा, और ये जो आपका साइन का जब ये ग्राफ है तो इस जगह पर ये वापस आ रहा है तो ये पाई होगा, राइट। तो जो p का x कोऑर्डिनेट बनेगा वो पाई से कुछ कम बनेगा, और y कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो l से कुछ कम बनेगा, क्यों, क्योंकि l साइन x का मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है वो l हो सकता है, तो वो l के नीचे अब यहाँ पर ये क्या आएगा वो हमें पता करना है, तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमको इस x का पता चल जाए यहाँ पर कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, है ना। तो इसे कैसे फाइंड किया जाए तो ये हमको देखना है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर हेल्प कर सकता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए इस p पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग, p पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और अब आप अगर गौर से देखो तो इस टेंजेंट का हमको किसी तरह से स्लोप प्राप्त करना है, ठीक है, तभी बात बनेगी। तो ये टेंजेंट क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे डाल दिया, अब यहाँ पर एक नॉर्मल हम लोग डालेंगे तो इसी टेंजेंट पर 90 डिग्री बना करके ये ड्रॉ करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक नॉर्मल, ठीक है, इस पी पॉइंट पर नॉर्मल हो गया। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे कि ये जितना एंगल से आया था उतना एंगल से जाएगा, बराबर बराबर होगा, तो ये ऑफकोर्स पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में 90 बनता है, तो फिर ये आधा आधा बांट दो इनको, 45 एंड 45 में ये बट जाएंगे, सही बात। चलो तो हमें इस लाइन का स्लोप तो मिल गया 45, देखो इस लाइन का स्लोप 10 45 मिल गया क्या नॉर्मल का,
तो टेंजेंट का, तो इसका स्लोप हो गया कितना, इस वाले लाइन का स्लोप जो कि हो गया 10.45। तो 10.45 की आई होप कि आपको दिख रहा हो ये सही से। तो m इक्वल टू 10.45 मतलब 1। तो अगर इस लाइन का स्लोप हो गया 1 तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन आएंगे उसका स्लोप हो जाएगा -1। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये लाइन देखो आप इस तरह से है, ऐसे है, पीछे की ओर झुका हुआ है, तो नेगेटिव तो होगा ही। बाकी एंगल नेगेटिव वाले केस में मैंने बताया था कि इधर से आपको मेजर करना होगा इस साइड से। तो इस साइड से आप इसको देख सकते हो कि ये कितना आएगा, है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे आप, इसको चाहो तो पीछे की ओर बढ़ा लो। और वैसे भी अगर दो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं कहीं भी, अगर एक का स्लोप आपका +1 होता है तो दूसरे का जो आएगा डेफिनेटली -1 आएगा, ये नियम है। अगर ये m1 मान लो, ये m2 मान लो, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस के जो स्लोप के मल्टीपल होते हैं वो होते हैं -1। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ओके। दो लाइन कहीं भी, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप अगर m1 अगर मान लो कि +1 है, तो दूसरे का, या a कह लो इसको, m1 इज a और दूसरे का m2 इज b, और ये दोनों आपस में 90 डिग्री बनाए हुए हैं, तो आप a इंटू बी मतलब m1 इंटू m2, अगर आपसे कोई पूछे मतलब a इंटू बी पूछे, दैट मस्ट बी -1। ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा नियम है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी आप यहाँ भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे देखिए ये 45 हो गया, ये इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये भी 45 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 45 हो गया, और ये क्या था 90, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ किया आपने और ये नॉर्मल, तो यहाँ पे 90, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा 45। तो डेफिनेट सी बात है कि ये जो लाइन आपने यहाँ पी पॉइंट पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप जो आएगा दैट विल बी -1, ओके, दैट विल बी -1। तो हमें मिल गया P पॉइंट पर का स्लोप, एक तरह से कह सकते हैं P पॉइंट पर का हमको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो P पॉइंट का अगर हमको स्लोप मिल गया, तो आपने पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग में dy/dx, यही तो स्लोप है ना एट P। P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, dy/dx करेंगे, तो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। लीजिए कॉन्स्टेंट, सो एल बाहर आ जाएगा, देखते हो आप कॉन्स्टेंट नंबर है ये, बाहर आ गया, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो एल कॉस एक्स हो गया, ठीक है, एल कॉस एक्स हो गया डीवाई बाई डी एक्स एट पी। तो एट पी पर ये कितना है -1, दिस इज इक्वल टू -1, ये क्या निकला है स्लोप निकला है, और ये कितना है -1 है, तो ये क्या हो गया -1। और अब आप यहां से निकाल सकते हो कॉस एक्स की वैल्यू क्या बन गई, ये -1/L, सही है, cos x की वैल्यू आ गई -1/L, 90 से ज्यादा होगा क्योंकि x की वैल्यू जो है देखिए यहाँ पर इसी जगह पर हो गया π/2, तो x जो भी होगा π/2 से आगे आएगा, ज्यादा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होगा वो ऑफ कोर्स नेगेटिव में तो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका ये cos x आ गया, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, तो x बिकम cos इनवर्स, आप चाहें तो -1/L, चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, है ना। और अब जैसे मान को L मान के चलो कि L की वैल्यू 2 होती, तो यहाँ पे -1/2 आ जाता, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 आता, तो वो अपना आराम से कि cos के किस वैल्यू के लिए -1/2 आती है वो वहां पर आराम से सॉल्व हो जाता है ना। तो कब आता है वो cos थीटा, अगर मैं कहूँ कि -1/2 तो थीटा क्या होगा, तो देखो अगर आप भूल गए, ऐसे मैंने बताया था ये सब याद रखना चाहिए हमेशा आपको, भूल गए तो फिर से देखिए आप, यहाँ पर 0 क्या याद रखना है कम से कम, जिससे भूल भी गए तो आसानी से निकाल सको। जैसे देखो यहाँ पर 0 हो जाता है कॉस के मामले में, ये 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये सब तो अंडरस्टूड है, 180, 270 और वापस 360 यहीं पे आता है घूम घाम के, ठीक है। और उसके बाद आपने पढ़ा था कि कॉस 0 पर आ जाएगी वैल्यू 1, और अब आपको क्या देखना है, सिर्फ देखना है कि हाफ हाफ कहाँ पर होता है, तो हाफ होता है 60 डिग्री पर, cos 60 डिग्री हाफ पढ़ते हैं ना, cos 60 डिग्री क्या होता है हाफ होता है प्लस हाफ होता है, cos 60 डिग्री प्लस हाफ होता है, तो यहाँ पर इधर से 60 तो इधर से भी 60 ले लेंगे, क्योंकि इधर फिर आ जाएगा 30। तो यहाँ पर जो सामने सामने वैल्यू बताया था आपको बराबर होती है बताया था, तो ये हाफ है तो ये भी हाफ होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos की बात है तो क्या होगा नेगेटिव साइन होगा, तो मतलब क्या हो गया कि इधर से 180 माइनस 60 कर लो 120 मिलेगा, या 90 प्लस ये वाला 30 कर लो तो वो भी 120 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा बात दिया हुआ है तो थीटा क्या निकल आएगा, या तो आप डायरेक्ट याद रखो या फिर इस तरह से आप जल्दी से
कैलकुलेट कर लो, है ना, कि 60 पर यहाँ पे हाफ होता है, इसके सामने इधर चले जाइए ये, तो इधर से भी 60 बनेगा, 180 माइनस 60 तो 120, या फिर इधर से 30 बनेगा तो इधर से भी 30 30 तो 90 प्लस 30 120, तो थीटा 120 आएगा, है ना। 120 कहने का मतलब हो जाएगा कितना, 2π/3। तो अगर यहाँ पे 2 रहता तो हम आंसर करते 2π/3। अभी आपने एल कुछ अननोन दिया हुआ, हम एल के टर्म में यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/L हो जाएगा, क्लियर है। और अब जब आपको ये मिल गया तो फिर आपका वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, इसी इक्वेशन में डाल दो, तो एल टाइम साइन एक्स कर दो, तो साइन एक्स, तो आपको अगर कॉस एक्स की वैल्यू पता है तो साइन एक्स निकाल सकते हैं आप, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह का आप वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, तो अब देखिए इसको आप पुट कर लीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/L स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 1/L स्क्वायर, इससे ये बाहर आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस 1, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके सामने है और वाई कोऑर्डिनेट भी आपके सामने है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, एक्स की जगह हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/L और वाई की जगह हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा मैंने फिर से एक बार दोहरा दूं, अगर यहाँ पे 2 होता तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे माइनस हाफ आ जाता, फिर आपका x की वैल्यू 2π/3 हो जाती, फिर वो 2π/3 आप वहाँ पे पुट कर लेते और फिर वो भी सॉल्व होकर के कुछ ना कुछ आ जाता, तो वैसे भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। मैंने ये थोड़ा जनरल सॉल्व कर दिया, तो इसको एक बार आराम से आप देख लेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बाय कर्व सरफेस, तो किसी भी तरह का जो कर्व सरफेस है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरह से थोड़े बहुत सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अब हम लोग देखेंगे जो कर्व्ड मिरर है हमारा उसके बारे में, ठीक है। तो कर्व्ड मिरर के केस में ज्यादा नहीं, बस इतना समझिए फिलहाल कि जैसे कि कोई एक स्फेयर होता है हमारे पास, ठीक है, हॉलो स्फेयर है और ग्लास का बना हुआ है, तो अगर आपने इसका कोई भी एक पार्ट कट कर लिया, ठीक है, मान के चलो आपने ये पार्ट यहाँ थोड़ा सा ये कट करके अलग कर लिया, ये पार्ट अब नहीं है, तो है तो ये इसी स्फेयर का पार्ट, तो आपने ये पार्ट अलग कर लिया, और अगर आपने ये अंदर वाले सरफेस को सिल्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इसको पॉलिश कर दिया अच्छे से, तो बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग रह गया और अंदर वाला आपने पॉलिश कर दिया, तो क्या हो गया, इसका बाहरी सतह जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की तरफ आ गया, उभरा हुआ हो गया, बल्ज पोर्शन आ गया, तो इसकी को आपको क्या बोलना है, कॉन्वेक्स मिरर, राइट, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर करना है। और उसी तरह से आपने फिर इधर कट किया, मान के चलो इसके ऐसे भी कहीं से भी पोर्शन ले सकते हैं, तो ये पोर्शन आपने जैसे ये कट करके अलग कर लिया, इसको हटा देते हैं ऐसे करके ये पोर्शन, और इस बार क्या किया, जो बल्ज पोर्शन था उभरा हुआ उसको आपने सिल्वर कर दिया इस तरह से, तो फिर ये वाला कौन सा मिरर बन गया, ऑफकोर्स कॉनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ धसी हुई दिखे तो कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और अगर उभरा हुआ मिले तो कॉन्वेक्स मिरर बोलना है, राइट। तो ये दो तरह के मिरर आपको पढ़ने हैं, इसमें जो इसका ठीक बीच में जाएगा यहां भी उसको भी कुछ नाम दे दें, और इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उनका भी नाम कुछ देख लीजिए, तो ये लाइन कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाले जो पॉइंट्स हो जाएंगे ये पोल कहलाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ये भी कोई वही प्रिंसिपल एक्सिस। जिस स्फेयर को कट करके आपने ये मिरर को अलग किया है उसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, तो उस सेंटर का नाम हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और यहां तक का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, इधर से भी इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं हम लोग, ये चीजें हो जाती है, ठीक है। तो मिरर के ये सब कुछ नाम हैं यहाँ पर, और अब इमेज के फॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर एक फोकस भी डिफाइंड होता है, फोकस क्या करता है कि अगर पैरेलल रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद
वो जहां से आती हुई, जहां मीट करती हुई या जहां जाके मिले सच में, तो वो क्या कहलाएंगे? फोकस। तो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में काम करेंगे। मतलब कि आपके जो स्फेरिकल मिरर का पोर्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो तक हमने आपको बता दिया, प्लेन मिरर के सारे केस डिटेल में डिस्कस हो गए हैं, है ना। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कर्व मिरर के सारे केसेस को एक एक करके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि लेक्चर नंबर 5 यहाँ तक आपने अच्छे से इसको क्लियर कर लिया होगा। तो अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए चीजों को और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।